तो आप लोगों ने देखा ना गाइस, क्रीवा कैसे रो रही है, पहली बार ऐसा कर रही है ये। अच्छा देखा तू वीडियो में छे अंदर लड़तू लड़तू आउ छे ने, तो पछि बदी माशी उगे छे कि आखरी हूं तो कछु लो ले। ये रियल मॉम स्ट्रगल कोई नहीं दिखा था ना, मुझे लगा कि ये कैप्चर करना चाहिए आप लोगों के लिए। क्रीवा का टीथ आ रहा है ना, इसलिए क्रीवा के दांत आ रहे हैं, इसलिए क्रीवा ऐसा कर रही है आजकल। बहुत दो दिन से कुछ ज़्यादा ही क्रीवा चिड़चिड़ी हो गई है, मैं बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम है, और कुछ दिन से ये दो तीन दिन से बैक पेन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अभी क्रीवा फिर से, मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ फिर से आ गई मेरे पास। तो गाइज इतने सारे कपड़े हैं जो मुझे मशीन में से मैंने अभी निकाल हैं, इसे मुझे ये सही करना है, लेकिन क्रिया समझने की कोशिश नहीं कर रही है। छू था जैसे तैसे करके समझा पता कि यहाँ भी क्रिया को बिठाया है, अभी शांत हुई है। क्रिया सू लाइव मम्मा नो दिखो, क्रीवा ने ये सारे कपड़े निकल रही है और यहाँ पे नीचे गिरा रही है। एक एक कपड़े निकल रही है, नीचे गिरा रही है, एक दो कपड़े तो नीचे गिरा भी दिए हैं। देखो ये पिंक कलर की टी शर्ट आप लोग जो देख रहे हैं ना, और ये डेनिस का शॉर्ट्स है, दोनों कपड़े क्रीवा ने गिराया। अभी क्या करें, लेकिन फिर बाद में जाती हूँ इसको लेने के लिए। अभी ये ड्रोवर खोल के बैठी है, सारा जो सामान है वो बाहर निकालेगी। क्रीवू हेलो करो, हेलो हेलो, शू थाय छे क्रीवा ने, भाई क्रीवा ने दाय थई, हाँ क्रीवा ने शू थयु, क्रीवा क्रीवु बाय बाय कलो नती कलो भाई। अभी देखो अभी मस्त से आराम से खेल रही है, क्या हो जाता है अचानक से कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए क्रीवा जब तक खेलती है तब तक ये सारा जो काम है इसे सही करते हैं। ये सारे कपड़े को भी फोल्ड करना है, और ये जो कपड़े आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे ठंडी के कपड़े हैं, मैंने ठंडी के कपड़े सारे। अभी ये इसको ना मुझे ये बेड के अंदर रखना है, क्योंकि ठंडी जा चुकी है, अभी गर्मियों के कपड़े निकालने हैं, ठंडी के कपड़े इसके अंदर रखने हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है रियल है, सारे बच्चे रोते हैं, इट्स नॉर्मल। क्रीवा भी रोती है, लेकिन क्रीवा का रोना बहुत कम होता है, तो इसलिए मैं ये सिचुएशन जो होती ना इससे मैं जल्दी हैंडल नहीं कर पाती। और ये सारा कुछ ना सभी लोग नहीं दिखाते, सभी लोग हम लोगों को अच्छे अच्छे पार्टी दिखाते हैं ना, जो बेबी खाता है पीता है खेलता है, तो मैं भी वही देखती थी। लेकिन आप लोगों को ये रियल लाइफ भी देखनी ज़रूरी है, ताकि और आप लोग भी मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे ये आज का व्लॉग देख के, कि बेबी का मूड हर दिन डिफरेंट होता है, हर दिन अलग तरीके से रिएक्ट करता है वो। कुकू क्या छे कुकू, अरे कुकू हो क्या छे कुकू, कुकू क्या छे, क्यों बताओ तो कुकू बताओ क्या छे, देखो दोनों कपल बैठे हैं आराम से, कितना मस्त। क्रीवा को अभी अकेले बालकनी में छोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्रीवा हाथ पैर कहीं भी कुछ भी कर देती है नीचे। अभी ये रूम की हालत देखो गाइस, झाड़ू पोछे भी नहीं लगे हैं, अभी सारा काम जो है वो बाकी है, ये क्रीवा की हरकत है। कल रात को क्रीवा ने किया था, बस अभी झाड़ू पोछे वाले आंटी भी आते ही हो गए, तब तक मैं इसे समेट लेती हूँ ताकि उनके लिए थोड़ा काम ईजी हो जाए। चलिए
शुरू करते हैं गाइस। एक रीवा की साइकिल के लिए सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, तो मैंने इसे अमेजोन से लिया था और इसकी प्राइस है अंडर 3000, समझो 2700 या फिर 2800 ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन लोकल मार्केट जो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में सस्ती पड़ी। और फर्स्ट क्राई पे भी ये महंगी मिल रही थी, 3000 के ऊपर ही थी। तो आप लोग चेकआउट करना चाहते हैं तो अमेजोन से ले सकते हैं, मुझे याद रहेगा तो इसकी बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप लोगों को। और हाँ गाइस, मैंने सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए हेल्पर लगाई है, बाकी सारा जो भी काम है वो मैं खुद करती हूँ। ये क्रीवा का ब्लैंकेट मुझे मिल गया, तो इसके साथ थोड़ी मस्ती कर ली क्रीवा के साथ, क्रीवा का माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश हो गया। ऐसे ही मेरा काम होता है घर का, क्रीवा के साथ मस्ती करते करते, क्रीवा के साथ खेलते खेलते काम करना पड़ता है ताकि क्रीवा भी बोर ना हो, क्रीवा भी मेरे साथ एंजॉय करे। चलिए अभी आप लोगों को मैं बालकनी में लेके चलती हूँ, बालकनी आज थोड़ी क्लीन करनी है हमारी। क्रीवा देखो कैसे मेरे पीछे पीछे आ रही है, बस ऐसा ही करती वो। गाइस ये बालकनी की मैट भी मैंने निकल दी क्योंकि यहाँ पे आज पोछा लगाना है, वो आंटी आएगी ना तो पोछा लगा देगी, इसलिए मैंने इसे निकल दिया ताकि ये बालकनी भी मेरी थोड़ी क्लीन हो जाए। ये सारा कुछ सामान फिर हम बाद में डेकोर करेंगे इसको। क्रीवो देखो अभी कितना आराम से खेल रही है, सच में बारिश आने वाली है ऐसा मौसम हो गया है। वैसे भी आ जाए तो अच्छा है क्योंकि बहुत गर्मी है यार। क्रीवो कुकू छे जो ये कुकू, यहाँ पे ना कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं, कबूतर या फिर कोई भी बर्ड हो ना मैं क्रीवा को कुकू बोलती हूँ, तो क्रीवा तुरंत से देखती है, क्रीवा को पता है कुकू यानी कि कुकू गाजी कुकू। अभी मैं और क्रीवा दोनों चले गए बाथ लेने के लिए, आज क्रीवा का मालिश रहने देती हूँ क्योंकि वैसे भी वो क्रीवा परेशान है और मैं भी सच में बहुत परेशान हूँ ना। बस आंटी का वेट कर रही हूँ, वो झाड़ू पोछे वाले आंटी आए, सो घर की क्लीनिंग जो है वो ख़त्म हो, बस अभी मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं और छोटा मोटा काम है। सो दियो। आज क्रीवा का मालिश रहने देती हूँ क्योंकि वैसे मैं भी परेशान हूँ दो दिन से और क्रीवा भी परेशान है, तो बस अभी क्रीवा को भी नहलाती हूँ, मैं भी अपना सावर ले लेती हूँ। गाइस आपने क्रीवा को कभी व्लॉग में ऐसे रोते हुए तो देखा ही नहीं होगा, क्रीवा मेरी बहुत कम रोती है, पता नहीं इस बार क्या हुआ है क्रीवा को नजर नहीं कर रही है। वैसे तो ये सारी चीजों में मैं मानती नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट में मेरे साथ शेयर करो आपके बच्चे ऐसे इस तरह से करते हैं तो आप कैसे हैंडल करते हो। आजकल हम लोग यहाँ पे सोते हैं क्योंकि क्रीवा के साथ बेड पे अभी सोना पॉसिबल नहीं है, एक दो बार क्रीवा गिर गई थी ना तब से हम लोगों ने यहाँ पे सोना शुरू कर दिया। देखो मेरे पीछे पीछे बस घूमती रहती है, ऐसे ही मेरा काम होता है घर का, बस वो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है और मैं अपना काम के लिए घूमती रहती हूँ, दो मिनट के लिए भी मुझे अकेले नहीं छोड़ती है, उसको बस मेरे पीछे पीछे ही भागना होता है। अभी भी मेरे पास ही है, आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, अभी क्रीवा का सोने का टाइम हो गया है तो थोड़ी मुझे परेशान कर रही है, जल्दी से ये वॉइस ओवर कर लूँ। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी ये क्रीवा, देखो कैसे डोर को ओपन भी करने लगी है खुद से ही, तो ये क्रीवा का कारनामा है, अभी इसे सही करते हैं। तब तक मेरे जो आंटी हैं वो भी आ गए थे झाड़ू पोछे लगाने के लिए, तो मेरी भी बेडशीट यहाँ पे, मतलब कि मैंने भी बेडशीट लगा ली है, आप लोग देख सकते हैं रूम साफ़ सुथरा हो गया है। सो चलिए सुबह सुबह अगर काम हो जाता है बहुत अच्छा लगता है। आज क्रीवा का और मम्मा का सावर रोते रोते हुआ दोनों का ही है ना, क्रीवा को अभी झूले में सुलाने की कोशिश करती हूँ, होप कि क्रीवा, शायद क्रीवा को नींद आ रही होगी, कल रात को क्रीवा ने ठीक से नींद पूरी नहीं की थी ना, तो शायद क्रीवा को नींद आ रही है तो नींद की वजह से ऐसा कर रही है पता। चले इसी के साथ ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, आज के व्लॉग में ज़्यादा कुछ सिखाने के लायक था नहीं लगा।
क्रीवा को शायद पेन हो रहा होगा, टीत आ रहा है ना क्रीवा के, तो इसलिए मम्मी बोल रही थी कि क्रीवा की टीत आ रहे हैं ना, इसलिए शायद क्रीवा परेशान कर रही है। चलिए बाय बाय, नए वीडियो में मिलते हैं, चलिए बाय कर दे, बाय कर दे, गुड गर्ल ना मालदी को, गुड गर्ल जो ना आज क्रीवा के हेयर वॉश किए मैंने जैसे तैसे करके, अब क्रीवा के बालों को वॉश किया, बहुत चिल्ला रही थी, बहुत रो रही थी। चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों को नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय 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 बाय, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जो क्रीवा भी बाय बोल रही है, अभी क्रीवा सो जाएगी ना, चलो वो बाय बोल रहा था मम्मा ना, नील लानो देख रहे नील लो। चलो गाइस मैं क्रीवा को देखती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को नए, बाय बाय, आइए आइए, बाय बाय।